दोस्तों जरा ऊपर जाते हैं, हमें एक नज़ारा दिखा, व्यू पॉइंट जरा ये देखिए कितना खतरनाक पॉइंट है यार। मतलब वो सारे के सारे घर दिख रहे हैं, और मान लो यार ऑलरेडी हम पहाड़ पे हैं, और ऑलरेडी हम एक पहाड़ पे और चढ़े जो कि इतना नीचे है। बताओ अभी देखते हैं टीडी गढ़वाल का और रास्ता कैसे है, तो बने रहिएगा। तो अभी हमने गाड़ी खड़ी कर दी यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए पानी ऊपर से आ रहा है, पीने वाला ही पानी जरा। तो देखिए मतलब कितना ऊपर आ गए, मतलब ये देखिए जो रास्ते दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे चीटी जैसे, हम बिल्कुल वहां से हैं। और वो रहा एक शहर टाइप या गांव टाइप जो बोल रहा है, आसपास धुंध इतनी है कि आसपास से उसको ऐसे दिख रहा है। कुछ यार घर जो है मतलब पहाड़ों में भी दिख रहे हैं आप लोगों को, पहाड़ों में घर बना रखे हैं, उससे भी हमें और आगे जाना है अभी। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, गाड़ी आ रही, थोड़ी रेस्ट दे देते हैं गाड़ियों को हम अपनी। और आसपास का व्यू कुछ ऐसा है यार, धुंध का माहौल है यहाँ पर, ये देखिए। और एक यहाँ पे एक भाई साहब है, ये देखिए, ये डॉग देखिए मतलब कितना तंदुरुस्त है, यहाँ का लोग का नहीं है। तो अभी हम दुकान पे चलते हैं, आप देखो इसके कितने खतरनाक है। तो ये देखिए भाई साहब क्या कर रहे हैं ये, हेलो, हेलो मिला रहे हैं हमारा दोस्त, ठीक है ना सब। बहुत अच्छा कुत्ता है यहाँ का, बाल देखो भाई, जरा अंडा खाने के लिए कह रहे हैं। तो भैया भी अंडा तोड़ के दिखाएंगे, ये देखिए हेलो कैसे मिला रहे हैं। तो भैया तोड़ के दिखाओ जरा, ये देखो ये देखो। तो अभी हमारे यहाँ पे अंडा ऑमलेट और मैगी बन रही है, और इस तरफ से थोड़ा बाहर आके कुछ, ओहो भाई उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा कुछ व्यू दिखेगा यार। आ गया है तो भाई, बसंत भाई खा के बताओ कैसा लग रहा है, बहुत यम्मी है। ये देखिए चाय भी है यहाँ पे, कैसी है, मस्त है ना भाई, सीन ऐसा, और साथ में अंडा ब्रेड, ओए होए मजा आ रहा है मैगी के साथ, अंडा और मैगी वो भी देसी अंडा, मजा आ गया। और दोस्तों हम अपनी मंजिल की तरफ चलते हुए मैगी और अंडा खा के, ओहो लजा खा गया लता, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये मैगी पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे, बहुत जगह तो लद्दाख बना हुआ है कहीं कहीं, तो वैसे कोई चक्कर नहीं है, हम अपनी मंजिल पे चलेंगे जरूर। रास्ता देख रहे हो ना कैसे स्कैरी स्कैरी सा लगा। वो जिस जहाँ पे भी हमने जिस दुकान पे खाना खाया था वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, बट वैसे अच्छा था आइटम, सब कुछ अच्छा था उसका, बेस्ट। आपको यार सब बताओ, देखो पहाड़ पे आके आपको मैगी या कुछ भी मिलता है यार, आप देखो तो देखो कि हम लोगों को मिल तो रहा है, कुछ भी मिल रहा है खाने, लेकिन कम से कम ये ना कि मिल रहा है। आप देखो जो बहुत जगह होती थी मिलता ही नहीं खाना। अब मेन बात यार ये भी, यहाँ पे कोई ना कोई काम है ना कुछ है, ये लोग खुद बेचारे मतलब कि इधर उधर अपने देश जो सॉरी अपनी जगह छोड़ के मतलब कि काम करने के लिए जाते हैं अपने घर बच्चों को, तो यहाँ पे ये है कि मतलब कि कुछ हो जाता है इन लोगों को गुजारा। अगर जैसे यहाँ पे जैसे कुछ जैसे घूमने के लिए आते हैं यहाँ पे, उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। और ऊपर का पहाड़ देखो दोस्तों, भाई गॉड ठंड बहुत तेज हो गई है। दोस्तों हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए, और वो देखिए बिल्कुल मेरे सामने, हम अभी वहां से जस्ट घूम कर आए हैं। ओहो अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम जैसे झूला झूल रहे हैं, गोल 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 गोल, पहले हम ऊपर चढ़े अब हम फिर दोबारा नीचे जा रहे हैं। ये देखो कैसे घर बना रखे भाई, सोचने वाली बात, रिस्क है रिस्क, मगर एक बात है रिस्क से ही नाम बनते हैं भाई। और ये देखो दोस्तों
पानी सारा का सारा, जितना ही पानी है ना सारा का सारा मिठा पानी है ये। और भाई हम लद्दाख में आ गए हैं, ये देखो, ये लद्दाख स्टार्ट। ओ यहाँ पे भाई तार वार पता क्या क्या काम हो रखा है, मैंने अभी देखा बहुत जगह काम चल रहा है यहाँ पे। मतलब यार बहुत सारे लोग मतलब घूमने आए हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा बहुत सारी जगह मैंने लोग देखे यहाँ पे आ रखे हैं। और पिछले यार टूरिस्ट प्लेस है तो आएंगे ही आएंगे। दिल्ली में तो तूफान आ रखा है गर्मी का, तो तूफान वो देखो वहाँ पे गाड़ी देखो कैसे जाम लगा। और दोस्तों ये देखो रास्ता, रास्ते देखो कैसे मतलब कि लैंड स्लाइडिंग हो रखी है, रास्ता देखो कैसे टूट रखा है, देखो ये देखो पूरा का पूरा रास्ता। ओह फिर लद्दाख, लेट्स लद्दाख राइड स्टार्टेड। और आगे दोस्तों एक पहाड़ दिख रहा है आपको, लैंड स्लाइडिंग हो रखी है वहाँ पे, हो रखी थी आई थिंक मेरे हिसाब से। ओ ऊपर का व्यू चेक करो दोस्तों एक बारी आप, है ना शानदार। और सामने देखो बिल्कुल वाह वाटरफॉल, और वो भी ठंडा ठंडा बिल्कुल चिल्ड, इतना चिल्ड। ओ फ्रिज का भी पानी फेल है, इतना चिल्ड पानी हो, बिल्कुल नेचुरल वाटर है ये, बिल्कुल नेचुरल मिनरल वाटर। एक बार पियोगे बार बार मांगोगे। ओ माय गॉड हम फिर लद्दाख, लद्दाख जैसा रास्ता है, आगे का रास्ता ख़राब है दोस्तों, ये जो रास्ता है मुझे आई थिंक लग रहा है कि टूटा हुआ है कुछ। एक एक करके जाने दे रहे हैं और एक एक करके आने दे रहे हैं, आगे का रास्ता मतलब टूटा हुआ काफ़ी ज़्यादा वो देखो। तो जो लोग कहते हैं कि चंबल चंबल चंबल, आज मैं दिखाता हूँ उन लोगों को चंबल की घाटियाँ। ये देखो ये होती है असली में चंबल की घाटियाँ, ये देख लो। जो लोग बोलते हैं ना कि चंबल चंबल चंबल, और देख लो ये सारी की सारी चंबल की घाटियाँ यहाँ पर। यहाँ पे आके अलग ही मंजर है यार कुछ। और रास्ते में एक मंदिर दिखा है हमें, तो देखो गाड़ी में भी चला रही ना, मैं रेस नहीं दे रहा बट अपने आप ही अपने आप चल रही है क्योंकि स्लाइडिंग है ना इसलिए। और दोस्तों डैम दिख रहा होगा आपको, वो देखिए कितनी मतलब कि ये जो है ना बाय गॉड इतना बड़ा डैम है ये देखिए पानी कैसा, पानी तो बिल्कुल भाई ऐसा लग रहा है जिससे कि बिल्कुल नीला नीला पानी, बिल्कुल प्योर नीला जो दूर से दिख रहा है पानी। अभी थोड़ा पास जाके देखेंगे, दूर क्या मेन पास जाके देखते हैं कैसा पानी है। तो दोस्तों मैं अभी डैम की तरफ जा रहे हैं बस अभी। ओहो यहाँ पर तो नाव भी चल रही है। और अभी हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पे, शाम हो गई यार पहुंचते पहुंचते, यार एक तो दूर भी बहुत ही ज़्यादा है। और अभी हम सबसे पहले चल के एक गाड़ी ज़रा पार्किंग में लगाते हैं। अगर आप दोस्तों यहां पर आएंगे तो यहां पर पार्किंग भी है जो कि है 20 रुपीज़। अभी हम गाड़ी खड़ी करते हैं अपनी, ये हमने गाड़ी अपनी ऑफ कर दी और हम अपना पहले तो बैग ले लेंगे फिर चलते हैं अभी आगे चलते हैं। और दोस्तों अभी हम लोग टिहरी डैम की तरफ आ चुके हैं। अभी दोस्तों हम लोग अभी डैम के पास जस्ट पहुँच ही गए और दोस्तों बोर्डिंग तो यहाँ पे हो नहीं रही यार क्योंकि बोर्डिंग की जो टाइमिंग थी वो 5:30 बजे की थी और हम यहाँ पर आए हैं यार कम से कम 6:30 हमारे को यहाँ पर कम से कम अभी 6:30 बज गए हैं तो बोर्डिंग बंद हो गई है यार, बहुत बुरी बात है। जो हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये पूरे एशिया की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ा डैम भी पूरे एशिया का यहाँ पर भी यहीं पर है। आप चाहते हो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि सबसे बड़ा डैम मैन मेड झील है ये, जो कि पानी सारा का सारा भी जो पानी देख पा रहे हैं ये सारा का सारा पानी जो यहाँ पे है ये पूरा का पूरा पानी जो स्टोर करके रखा हुआ है यहाँ पे। बोर्डिंग होती है इस तरफ से आपको उस तरफ छोड़ा जाएगा जहाँ पर लाइटें चल रही है ना वहाँ पे स्टे मतलब होटल वोटल बने हुए हैं और साइड में देखिए लाइटें जल रही हैं वो वहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे। ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को, ये देखिए जूम करके वहाँ पे जैसे क्या देखते हैं यार ये लोग आ रहे हैं मतलब कि
और हम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी और आएंगे, अभी क्या कर सकते हैं। ये लोग जब से आए हैं, जब से मतलब इन लोगों की पहले टिकट होगी, इसलिए जिन लोगों की मतलब कि 5:30 बजे से पहले की टिकट है यार, वो लोग जा रहे हैं अभी और हम तो पहुँचे ही नहीं पाए थे 5:30 बजे। कोई बात नहीं, नदी में जाने से पहले ही आपको लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती है री, पूरे के पूरे बंडल सेट पड़े हुए हैं यहाँ पे। और सामने की तरफ वो खाने पीने का यहाँ पे टूरिस्टों का जो आते हैं, और पार्किंग जो है उस तरफ। और अभी मैं आप लोगों को सामने से थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए ये लोग जितने भी आ रहे हैं, मतलब ये लोग राफ्टिंग कह रहा हूँ मैं, यहाँ से मतलब कि नाव के अंदर से आ रहे हैं जिन लोगों की टिकट थी, ये देखिए। कोई बात नहीं, कभी और आएंगे हम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। दोस्तों सबसे बुरी खबर ये थी यार, जब हम यहाँ पे पहुँचे थे आप लोगों ने वीडियो में देखा कि मतलब यहाँ पे हम आए थे 6:30 बजे करीब, ना ही बोर्ड मिली ना ही कुछ मिला। फिर हमें जल्दबाजी में एक तो यहाँ पे कोई होटल भी नहीं मिला था, फिर हमने जल्दबाजी में रिजॉर्ट बुक करा। देखिए रिजॉर्ट कुछ ऐसा है, चारों तरफ से एक बार देख लीजिए आप लोग, तो इसी के साथ दोस्तों तो मैं आपसे अब कल सुबह मिलूँगा एक अच्छे व्यू के साथ। आप लोगों ने ना उम्मीद नहीं करी होगी, इतना खतरनाक व्यू आएगा ना, दो जगह दिखाऊंगा, सच बताऊँ ना पूरा पैसा वसूल है। एक बार आके जरा देखना, लोकेशन तैयार रहना कल वीडियो देखने के लिए, तो हम सुबह मिलते हैं नेक्स्ट डे। गाइस गुड मॉर्निंग, अभी सुबह हो चुकी है दोस्तों, और एक्चुअली दोस्तों यार इसमें जब मैं वीडियो शूट कर रहा था ये वाला, तो इसमें यार ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। तो चल के भी दोस्तों मैं आपको सीधा पार्किंग में चल के मिलता हूँ अभी आप लोगों से। तो दोस्तों अभी हमने गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और अभी चलते हैं लेक व्यू की तरफ जहाँ पे बोर्डिंग होती है, और भीड़ अभी आती ही जा रही है, भीड़ होती ही जा रही है। और आसपास देख रहे हो पूरा गढ़वाल है, गढ़वाल जो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे, धुंध है ऊपर जैसा मैंने आपको पीछे दिखाया था वीडियो में। और ये आसपास कुछ खाने की दुकानें हैं यहाँ पे। दोस्तों देखिए टिकट प्राइस लिस्ट लिखी हुई यहाँ पे, और ये सारी की सारी जैकेट्स है, जैकेट राइडिंग से पहले जैकेट पहनाई जाती है क्योंकि काफ़ी गहरा, कम से कम ये पता चला है अभी कम से कम ये 250 मीटर गहरा है ये। देखिए कितनी सारी यहाँ पे मछलियाँ हैं, क्योंकि अभी भैया ने यहाँ पे खाना डाला है, तो मछलियाँ कितनी सारी हैं यार यहाँ पे, ये देखिए। No stranger to pain, it's never ending. तो अंदर आने के बाद कुछ ऐसा सीन है दोस्तों, बहुत सारी राइडिंग है यहाँ पे, बहुत सारे बोर्ड है, जो मर्जी आप करिए उसी हिसाब से यहाँ पे पैसे लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं वेडिंग बोर्डिंग करने के लिए, और आसपास का व्यू कुछ ऐसा है, ऐसा लगता है जैसे मायामी में हम लोग, क्योंकि मायामी में कुछ ऐसे होती है, आसपास बड़ी बड़ी नाव लगी होती है, मछली पकड़ने वाले होते हैं। और दोस्तों मछली मैंने देखी यार, बहुत बड़ी बड़ी मछली है, बहुत बड़ी बड़ी, एक बार यहाँ आओगे ना सच बता रहा हूँ जन्नत से कम नहीं है भाई, जन्नत से, क्योंकि भाई बार बार ही आऊँगा। और टिकट को जो है वो मैंने आपको दिखा दी है, और लोग बैठ गए राइड करने के लिए, तो कैसा मजा आने वाला भाई, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, वीडियो में बनी रहेगा, एक बार आओ एंजॉय करो यहाँ पे। दोस्तों हमारी जो बोट है वो चल चुकी है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बताया था कि ये जो डैम है पूरा कम से कम 250 मीटर गहरा है ये, और आसपास का व्यू कुछ ऐसा है, और ऊपर की तरफ देख पा रहे हो वो टीरी गढ़वाल है, सारा का सारा ये गढ़वाल के अंदर ही है वैसे ये सीन ये। और यहाँ पे मैंने सुना कि यहाँ पे वॉर फिल्म की जो शूटिंग हुई थी, एक यहाँ पे पॉइंट है जहाँ पे सारी फिल्मों की शूटिंग होती है, और वो रही वो जगह जहाँ से हम चले थे। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ आर्मी वालों की यहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, ये देखिए कैसे नहा रहे भाई यहाँ पे, सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप ये देखो कि मतलब कि यहाँ पर आके ऐसे बीच नदी के अंदर बैठ के, डैम में बैठ के, और आसपास मतलब पहाड़ों का नज़ारा सुंदर जैसे कश्मीर में होता है, सेम वैसे ही यहाँ पर मिलेगा आप लोगों को। एक बात तो है दूर, बट सच बताऊँ ना पैसा वसूल जगह भाई, पैसा वसूल, एक बार आओगे सच बता रहा हूँ बार बार आओगे यहाँ पर, क्योंकि जगह ही ऐसी है आपको इस जगह से प्यार हो जाएगा, सच बता रहा हूँ यार। जिस भी लोकेशन में हम गए ना, वो सारी की सारी जगह जितनी मैंने देखी एक नंबर जगह मुझे लगी भाई। और आसपास का व्यू कुछ देखो दोस्तों, और वो देख रहे हो तो उस तरफ जो है वो उत्तरकाशी है, मतलब उसके पीछे साइड जो है वो उत्तरकाशी है वहाँ पे,
और ये जो पूरा डैम है ये खुद बनाया गया पूरा डैम है ये। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे फ्लोटिंग हाउस है कुछ बने हुए हैं यहाँ पे। एक दिन का चार्ज यहाँ पे 15,000 रुपये ना भैया, तो भैया बता रहे कि 15,000 रुपये चार्ज है यहाँ पे एक दिन का, सिर्फ 15,000 रुपये, क्योंकि ये बीच डैम के ऊपर बिल्कुल बना हुआ ना, इसलिए पानी के बिल्कुल ऊपर। और सामने वो देखिए ब्रिज, एंड में आ गए हम या उससे भी आगे हैं। और ऊपर सुंदर सुंदर पहाड़, नीचे सुंदर सुंदर सा डैम, और क्या चाहिए। हमने दोस्तों ये ब्रिज देखी और मैं ये पानी को छूता हूँ, ये देखिए पानी ठंडा नहीं है, नॉर्मल ही है यार। और ये मेरे भाई जरा पानी छूने की कोशिश कर रहा है बट ये पहुँच नहीं पा रहा। दोस्तों अभी जो हमारी राइड थी 1.5 घंटे की राइड थी ये पूरी, और ये राइड हमारी ख़त्म होती है। अभी हम दूसरी राइड करने वाले हैं यार, वो राइड मैं फर्स्ट टाइम करूँगा और ये भी फर्स्ट टाइम था। अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ से हम स्टार्टिंग करी थी, वहीं पर जा रहे हैं और उसके बाद हम करेंगे दूसरी राइड। दोस्तों अभी हमारी वाली राइड कम्प्लीट होती है, अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी राइड पर। अभी GoPro लगाऊंगा मैं, अभी GoPro यूज़ करेंगे मैं दूसरी राइड में। ये देखिए बहुत से लोग यहाँ पर राइडिंग के लिए आ रखे हैं, बहुत सारे लोग, और आसपास का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों यहाँ पे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है तो अभी हम चलते हैं। अरे उसका अलग चार्ज है ना, इसलिए यहाँ बैठना है, यहाँ पकड़ना भी उतरेगा ना भाई, यहाँ पे सबर करो। दो बारी मजा आ गया। दोस्तों हमारा जो एडवेंचर था वो यहीं पे खत्म होता है अभी। जो मतलब कि जितनी भी राइड थी सारी की सारी राइड हमने कर ली है यहाँ पे। तो अभी हम लोग घर की तरफ निकल रहे हैं, इससे पहले हम जरा कुछ खा लेंगे, इससे पहले हम घर की तरफ निकलेंगे दोस्तों। चलिए हम भी आपसे आगे मिलते हैं। तो एक्चुअली दोस्तों अभी हम लोग हरिद्वार में आ चुके हैं, टीडी गढ़वाल से डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर आए थे। तो ये हमारी लास्ट लोकेशन दोस्तों, अब मैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगा। ये सीरीज़ जो हमारी थी इस सीरीज़ को यहीं पर ही एंड करता हूँ दोस्तों। तो ऐसे ब्लॉग में हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को भी सारे के सारे ब्लॉग्स पसंद आए होंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आप लोगों को पता है वीडियो बनाने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं या फिर जो भी लोग यूट्यूब पे काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कितनी मेहनत लगती है। आपको पता है यार क्या क्या झेलना पड़ता है, आप लोगों को नहीं पता यार, हमें पता है क्या क्या झेलना पड़ता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में जरूर मिलूंगा। टाटा बाय बाय, में जरूर ध्यान रखिएगा। बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।